रीति ज्योतिष केंद्र वास्तु पार्ट 6 धन से अगर प्रॉब्लम आ रही, धन की अगर प्रॉब्लम हो रही, तो इससे रिलेटेड में कुछ आपको टिप्स देना चाह रहा था। बेसिकली ईशान कोण पूर्व ये सब मैं आपको पिछले वीडियोस में बता चुका हूँ। अगर धन की कमी आ रही है, शिक्षा व्यवसाय या नौकरी में बाधा आ रही है, तो सबसे पहले तो ये देखें कि बाधाएं क्यों आ रही हैं, आप में कोई कमी तो नहीं है। उन सब कमियों को पूरा करने के बाद पूरे एफर्ट्स भी लगा रहे हैं, सब कुछ ठीक हो रहा है, उसके बाद भी रिजल्ट्स नहीं आ रहे, तो आपको क्या करना है, वहाँ पर आपको दरवाजे पर दो बांसुरियाँ लगा दें, तो इससे क्या होगा, थोड़ा सा ये शुभ हो जाता है। बांसुरियाँ हमेशा क्या करती हैं, इस चीज़ को क्या करती हैं, जो उसका वास्तु दोष लग रहा है उसको ख़त्म करने का काम करती हैं। आर्थिक समस्याएं, चांदी की बांसुरी लगाएं, ये बहुत अच्छी हो जाती है और जो दोष है वो समाप्त होता है। गणेश जी की प्रतिमा जब भी लगाएं तो ये ध्यान रखें कि उनके पीछे भी एक प्रतिमा लगाएं, क्योंकि गणेश जी अपने सामने तो ठीक करते हैं, पीछे वो सब कुछ क्या करते हैं, चौपट करते हुए, ऐसी मान्यता है। अगर बात करें लक्ष्मी कुबेर का यंत्र, मूर्ति, कुबेर, उत्तर दिशा में आप इनको रख सकते हैं, शंख रख सकते हैं, लेकिन जो भी रखें, जो भी चीज़ आप उसमें रख रहे हैं धन से संबंधित, तो उसको एक बार अगरबत्ती ज़रूर दिखाएं, गणेश जी की पूजा नियमित करें, कोई भी मूर्ति कुछ भी आप घर में रख रहे हैं तो उसको बहुत सोच समझ के रखें, उत्तर दिशा में ही रखें, उत्तर दिशा का ही मेन महत्व होता है। और या इसकी अगर बात करूँ तो शंख भी आप रख सकते हैं, लेकिन इन सबका पूजा और प्रॉपर इनको साफ़ सफाई से रखना बहुत ज़रूरी है। तो धन से रिलेटेड कोई समस्या है तो बांसुरियाँ, चांदी की बांसुरियाँ, इस तरह से आप उनको लगाकर लेकिन इसमें एक चीज़ बता देता हूँ, आपको मेहनत भरपूर करना, उसके बाद अगर भाग्य साथ नहीं दे रहा है तो ही आपको क्या करना, ये चीज़ करनी है, और इसी से फिर क्या होगा, असर आएगा। ठीक है, तो ये था वीडियो वास्तु पार्ट 6 धन से संबंधित समस्याओं के लिए।